सब्सक्राइब कीजिए द टेक शो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, हमारे पास है आज पोको X2 फ़ोन और इसमें आ गया है MI 12 का अपडेट। तो आज हम करेंगे इस फ़ोन को अपडेट और देखेंगे क्या नया फीचर्स आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अपडेट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको जो एक नया ये फ़ोन अभी नया है और यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन किया जा चुका है, लेकिन वो ऐप अभी मिलता है। जैसे हेलो हो गया, जिल का नहीं पता, लेकिन हेलो ऐप तो कन्फर्म है कि बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें है। जैसे MI ब्राउज़र कम्युनिटी जो है इसको भी बैन कर दिया गया था, लेकिन ये अभी भी इसमें मौजूद है। तो आज अपडेट के बाद देखेंगे कि आपको इस फ़ोन में ये सब मिलता है या नहीं मिलता है। तो जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, अपडेट के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सिक्योरिटी पैच लेवल क्या क्या है और एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन वगैरह चेंज होता है या नहीं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी पैच लेवल देख सकते हैं, अप्रैल का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है और MIUI 11 ग्लोबल जो कि है मिलता है आपको यहाँ पे। तो यही सब है। एंड्रॉयड की बात करें तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 ऑलरेडी मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉयड 11 आया होगा इस फ़ोन में अभी के लिए। तो इसको कर लेते हैं अपडेट और बताते हैं आपको कि नया फीचर्स में क्या क्या आया है। अपडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 814 MB का एक अपडेट मिला हुआ है हम लोगों को पोको X2 के लिए और यहाँ पे काफ़ी सारे जो चेंज लॉग हैं वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। डार्क मोड हो गया, सिस्टम हो गया, लॉक स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, सब चीज़ में आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं। डाउनलोडिंग पे मैंने लगा दिया है, कनेक्ट तो वाईफाई है ही, तो डाउनलोड हो जाए। तो जब तक डाउनलोड होता है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ आप जो है कि क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आने वाले समय में पोको X2 से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आप देख सकें। तो जब तक अपडेट नहीं होता है तब तक थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका समय बचता रहे, हमारा समय बचता रहे, मेरा बैटरी बचता रहे, आपका थोड़ा समय बचता रहे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मिलते हैं अपडेट के बाद। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन जो कि ओपन हो गया और यहाँ पे MIUI का लोगो भी आ चुका है जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा समय लगेगा मेरे ख्याल से, जबकि मेरे पास मेरा K20 Pro था, तब भी जब ये अपडेट हुआ था तो इसको करीब आधा घंटा लग गया था यहाँ से स्टेज से हटने में। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया MIUI 12 और यहाँ पे लिखा है यू आर अलोन, फॉर एवर अलोन, ऑलवेज अलोन, मीट द न्यू MIUI। तो हम करते हैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट। यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जल्दी करो भाई, पलवे निकलना है सुबह। न्यू एनिमेशंस वगैरह हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट। प्राइवेसी प्रोटेक्शन MIUI 12 हैज़ फर्स्ट टाइम वेयर दैट, ये बस बोलने के लिए, वैसा तो भरोसा मुझको है नहीं इस पर। हाँ, ये फ्लोटिंग विंडोज़ वाला भी सिस्टम आ गया है, कंट्रोल सेंटर आया, नया कंट्रोल सेंटर आया, इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नए नोट्स आए हैं, कास्टिंग वगैरह का सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा, होम स्क्रीन नया आया हुआ है, नया सुपर वॉलपेपर आया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, यू आर अलोन ऑलवेज अलोन। तो इसको अपडेट नाउ कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट साइड से करें तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, लेफ्ट साइड से करें तो आपको यहाँ पे ये वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, नोटिफिकेशन स्टेटस बार। हाँ, अब एप्लीकेशन देख लेते हैं इसमें आपको कौन से एप्लीकेशन अभी मिल रहे हैं या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेलो अभी भी इसमें आपको इंस्टॉल मिलता है, तो इसको हम लोग को मजबूरी के कारण अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी जैसे मी ब्राउज़र, ये अभी भी अवेलेबल है, पता नहीं क्यों है, किस लिए है। और ये एक्सपेक्टेशन वगैरह देख लेते हैं इसमें क्या क्या, कौन सा आपको उसका मिलता है कि नहीं। तो आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी क्लीन मास्टर का ही मिल रहा है, जो कि काफ़ी दुख की बात है, मतलब क्या ही बताएं, बुरा लगता है भाई साहब, दिल से बुरा लगता है ये सब देख के।
इसका कुछ नहीं कर सकते। सेटिंग में जाते हैं, सिस्टम अबाउट फ़ोन में देखते हैं, तो सिक्योरिटी पैच की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई का यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड्रॉयड 10 का 10 ही आपको मिलेगा यहाँ पे, इसमें कोई कोई चेंजेस नहीं किया गया हुआ है। ये घूम नहीं रहा है, थोड़ा घूम ले घूम ले। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्लो फलाने, पता नहीं कौन सा गेम है, समझ में नहीं आता है। बाकी सब कुछ ठीक है। कैमरे का थोड़ा सा ईवाई देख लेते हैं। कैमरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं नया सिस्टम आया हुआ है, पूरा आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ईवाई जो कि चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं आता था, जो कि देखने में मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हुए हैं। मोर की बात करें तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल वगैरह का भी शॉट वो मिल जाता है। फ्रंट कैमरे में काफ़ी मतलब बेहतरीन, काफ़ी मतलब बढ़िया कैमरा यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरे मिल जाता है, कहने की बात ये है। फिंगरप्रिंट स्पीड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये टैप वाला है और ये खुल गया, ये खुल गया, मतलब फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है मतलब। और 120Hz डिस्प्ले इसका है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मी पे तो इंस्टॉल नहीं होता है, बाकी यही था इसका अपडेट में, कुछ चेंजेस तो हुए नहीं है, बस थोड़ा सा कॉस्मेटिकली चेंज हुआ है। नोटिफिकेशन बार भी अभी नहीं दिया गया हुआ है, खैर देखते हैं क्या होता है। तो बने रहने के धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।